ठीक है, हम लोग आज बनाने वाले हैं बुक। तो बुक बनाने के पहले हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे बुक की साइज साइज अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, आपको डाइजेस्ट का करना है तो डाइजेस्ट में यहाँ पे ये देखो, अभी मैं माया में चलता हूँ तो पहले डाइजेस्ट का एक बार देखते हैं। ठीक है, माया में गए यहाँ पे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिस मॉडलिंग का काम करना है तो मॉडलिंग के काम के लिए अभी यहाँ पर सेटिंग होता है क्या, सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेटिंग में जाकर देखते हैं सेंटीमीटर में। अब मेरे पास अभी रेफरेंस किस में है, अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊँ यहाँ पे तो किस में, इंचेज में। तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल कि अगर मैं यहाँ पर करूँ भाई मुझे इंचेज में चाहिए तो मैं इंचेज में आ गया। ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी इंचेज में मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास अभी कितना पार्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा अभी यहाँ पे कितना 8.5 एंड 5.5। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जब भी मैं क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पर बॉक्स क्रिएट किया। ठीक है, क्यूब क्रिएट किया मैंने यहाँ पर, इस पर गए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वेट कितना है, वेट में अगर मैं यहाँ पे इतना करता हूँ, वेट को मैंने कर दिया 8.5। ठीक है, और डेप्थ में अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो डेप्थ कितना है 5.5 कर दिया मैंने। तो आपको एक साइज़ बुक का साइज़ मिल जाएगा भाई, आपका बुक का एक नॉर्मल साइज़ आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक ऐसे लेके चलेंगे, मतलब डाइजेस्ट में। ठीक है, बाकी हाइट को हम लोग यहाँ पर अपने नीचे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाइक एक दो मोटा करना है, डाइजेस्ट थोड़ा सा थिकनेस होता है, तो मैंने 1.5 इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अभी यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं फ्रंट पे गए, क्योंकि बुक बनाने की भी टेक्निक अलग अलग है। ठीक है, बुक का लाइक अभी यहाँ पे देखता हूँ, तो इसमें आपको हर एक लेवल का, हर चीज़ का एक लेवल बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल डी, एक में बस ये भी पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फेसिस पे गए, ये पार्ट ऑब्जेक्ट फेसिस, ये पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, सिर्फ प्रेस किया मैंने यहाँ पे एंड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑफसेट एक ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑफसेट में आप यहाँ पे देखो, ऑफसेट में ऐसा कुछ पार्ट आएगा। ठीक है, अभी पार्ट हल्का सा अंदर होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से जी प्रेस करता हूँ, जी मतलब रिपीट कमांड। ठीक है, लोकल जेड है तो लोकल जेड में यहाँ पे देखो अंदर का ले जाता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इतना पार्ट देना है तो देन। ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा करना तो लोकल जेड आप यूज़ कर सकते हैं, तब थिकनेस यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, इतना पार्ट मैंने यूज़ किया तो बस ये पार्ट आ गया, तो ये एक लेवल और हो गया। अब इसी लेवल को मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी को और मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँ, थोड़ा सा कर्व बनाना, तो मैं कर्व के यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, फ्रंट पे गए और लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैं इस वर्टेक्स को हल्का सा सिलेक्ट करके राउंड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं देखो इनको भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे मैं चीज़ें हैं तो मैं वन बाई वन करके मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूँ। फिर मैं इसके भी एक ऑप्शन देता हूँ, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स पे गया, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट किया, हल्का सा राउंड करने के लिए सिलेक्ट कर दिया, सेफ्ट एंड बेवल एजेस। अभी यहाँ पे आप सेगमेंट दो, देन ये आपको देखो राउंड मिलेगा क्या, फिक्सन हल्का सा मैंने बढ़ाया फिक्सन। तो अभी देखोगे आपके यहाँ पे बुक के टाइप मिल गए क्या, एक फ्लैट में है, जैसे गेमिंग जैसे एलओडी बोलते हैं, लेवल ऑफ डिटेल भी कह देते हैं कि भाई यहाँ पे अगर ऐसा कुछ किया तो ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर मैं टेक्स्ट लगाता हूँ, जैसे मॉडल मेरे पास इतना हो जाएगा, इतने मेरा काम हो जाएगा। इसमें भी अलग अलग टाइप होंगे, लेकिन चलो इतने से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल हमारा कंप्लीट है। ठीक है, जैसे ऐसा आपको पता है कि मैं थोड़ा सा आपको एक दो प्रोसेस में बता देता हूँ, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे यूवी एडिटिंग में। ये दो जो प्रोसेस बताओ, बेसिक वाले प्रोसेस बता रहा हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, असाइन किया यहाँ पे लैम्बर्ट बुक वन मेथड वन फाइल पे भी मैंने यहाँ पे टेक्सचर मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, टेक्सचर कौन सा है, लाइक हाँ ये वाला टेक्सचर मुझे लेना है। ठीक है, प्रेस करता हूँ 6, यहाँ पे मॉडल आ गया, तो मैं इसका यूवी निकाल लेता हूँ। यूवी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बात सबको सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे फेसेस। ठीक है, या क्रिएट में जाओ, क्रिएट में मिलता है आपको ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लिक कर दो, ये आ जाएगा। अब देखो क्लिक करते हैं, आपका बिल्कुल बेसिक सा पार्ट आपने यहाँ पर आ गया, भाई क्या क्या काम करना है। अभी सेलेक्ट क्या करना है, ये पार्ट सेलेक्ट करो, ये पार्ट कौन सा है, ये मैंने यहाँ पर उठाया। ठीक है, देखना है अभी ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट यहाँ पर, और ये वाला पार्ट पीछे की तरफ हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये यहाँ बस समझना है कि ये पार्ट में बस यहाँ पर। अभी आप यहाँ पे क्या करो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक एजेस को सेलेक्ट किया, अच्छा ये पार्ट इधर है, ये पार्ट में यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे, शिफ्ट एंड मूवमेंट से जुड़ गया, इसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड मूवमेंट से। बाकी जो अनवांटेड पार्ट है ना, जिसमें मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, सबको बाहर निकाल देता हूँ, आ जाओ बाहर आ जाओ। ठीक है, सेलेक्ट किया, ठीक है, टू सेल, टू सेल मतलब पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लेगा आपका यहाँ पे, ये तक आएगा। फिर उल्टा आ रहा है, मुझे रोटेट करना है तो ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, रोटेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ पे, फिर रोटेशन री रोटेशन। ठीक है, अभी मैं तो इसे मैक्सिमाइज करके देखें यहाँ पे, जैसे कंट्रोल एंड स्पेस बार, ये देखें ये पार्ट मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, एक एक करके चीज़ को मैनेज करता हूँ यहाँ पे।
यूवीज पे गए, तो यूवीज के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, चलो मैं इसको ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। ये सिंपल मैं यूवी में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या पे यूवी में एडजस्टमेंट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कुछ पार्ट में काम आता है, लेकिन कई जगह हम लोग ऐसे भी कुछ काम करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ अच्छी निकल जाती है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। ये पार्ट मैं कहाँ पर, तो अभी यहाँ पर मैं यूवीज को मैं समझता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर डेप्थ भी दिखेगा, ओके। और देन अभी मैं कंट्रोल एंड स्पेस बार भी चेक करें, यहाँ पे चीज़ सही आ रही कि नहीं आ रही, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे से यहाँ पर आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पर, ठीक है। फिर तो साइड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूँ। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फेसेस है, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब रोटेशन का काम आता है आपका, रोटेशन किया पे, तो रोटेशन में आपको ये पार्ट आ गया। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा स्केल कर लेता हूँ, हल्का सा स्केल किया मैंने यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिखे, ठीक है। ये मैं ऐसे ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल तो मैंने एडजस्ट किया और इस टाइप से मैंने सेट कर दिया, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट अरेंज कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ये रोटेशन दिया मैंने यहाँ पर, अभी ये पार्ट यहाँ पर मतलब कनेक्टिविटी बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये भी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, रोटेशन दे दिया, ये देखो दोनों को तीनों को सेलेक्ट किया। इसको डिसलेक्ट कर लो कंट्रोल प्रेस करके, आर प्रेस करो, इसको थोड़ा छोटा ही रखना, ठीक है। ये पार्ट ऐसा कुछ यहाँ पर, तो अभी देखो यहाँ पे सब कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, तो यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे बन गया, या मुझे बेसिक सा कुछ पार्ट दिखाना है, तो वहाँ पे डेप्थ नहीं है, लेकिन फ्लैट्स था तो मेरे को दिखाना, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस था,